हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का वीडियो अगेन एक क्लीनिंग वीडियो है। क्लीनिंग की है मैंने अपनी बेटी एंजल के रूम की और डेकोरेट किया है इस क्यूट सी मेडल शेल्फ़ के साथ जो मैंने खरीदी है अमेज़ॉन से। मेडल हैंगर होल्डर के साथ साथ ये एक ट्रॉफी शेल्फ रैक भी है और कुछ डेली का रूटीन का स्टफ़ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। एंजू के रूम का जो क्रिसमस ट्री है उसको मैंने अनडेकोरेट करके पैक किया है। लास्ट वीडियो में मुझे एक क्रॉकरी कैबिनेट से रिलेटेड कमेंट आया था, तो मैंने इस वीडियो में क्रॉकरी कैबिनेट का टूर शेयर किया है। और घर के कामों से फ्री होकर थोड़ा टाइम मैंने अपने लिए भी निकाला है। हेयर स्मूथनिंग करवाई थी मैंने कुछ टाइम पहले, वो इस वीडियो में मैंने शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। इस रूम में मैंने जितने भी वॉल डेकोर पीसेज ऐड किए हैं कहीं भी मैंने अभी तक कील यूज़ नहीं की थी। कमांड हुक्स को ही मैंने हमेशा यूज़ किया इन डेकोर पीसेस को हैंग करने के लिए, लेकिन ये शेल्फ थोड़ी सी हैवी है तो मैंने पहली बार इस रूम में कील लगाई है इस शेल्फ को हैंग करने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेल्फ है ये और फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है। दो डिफरेंट रोज दी हुई हैं इसमें मेडल हैंग करने के लिए। एंजल के ये कुछ मेडल्स हैं जो कमॉन की तरफ से एंजू को मिले हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और होपफुली गोल्ड मेडल और ट्रॉफी भी इस साल जल्दी एंजू को मिल जाएगी। ड्रीम, बिलीव, अचीव, ये तीनों ही काफ़ी पावरफुल वर्ड्स हैं और मैं बहुत मानती हूँ, बिलीव करती हूँ इन वर्ड्स में और विश करती हूँ कि एंजू भी इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझे और फॉलो करे इस पूरी जर्नी को अपनी लाइफ में, और जो भी अपनी लाइफ में करे बहुत ही अच्छा करे। जस्ट ये एक मैंने छोटी सी प्लेस क्रिएट की है इस मेडल शेल्फ से जो एंजू की अचीवमेंट शो करती है। अभी तो खैर एंजू बहुत छोटी है, 5th क्लास में है और इन सब बातों को शायद वो इतना नहीं समझेगी, लेकिन जस्ट ये मैंने यहाँ पर सारे मेडल्स को हैंग करने का एक ही पर्पस है कि एंजू ने जो अब तक अचीव किया उसे ये देखकर, एंजू को देखकर ये अच्छा फील हो और मोटिवेट हो वो और अच्छा करने के लिए। मेडल्स को हैंग करने के बाद मैंने सलमीरा को साफ़ किया बाहर से मल्टीपर्पज़ स्प्रे के साथ, और जो रेड कलर का रिबन में जो मेडल है वो एंजू को मिला था स्कूल की स्पोर्ट्स में, रेस कंपटीशन में एंजू ने वो जीता था। और दो और मेडल्स हैं एंजू के जो अभी मिसिंग है, मुझे नहीं मिले हैं, और वो एंजू ने जीते थे इंग्लिश रीडिंग कंपटीशन और एसे राइटिंग में, जो अभी मुझे नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे वो भी मैं यहाँ पर हैंग करूँगी इस शेल्फ में। वीकली मैं शीट्स को चेंज करती हूँ दोनों बेड की, इस बेड की और मास्टर बेडरूम में जो बेड है उसकी, और सेम डे ही मैं वॉश करती हूँ। कुछ टाइम से लॉन्ड्री रूटीन के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं। बहुत ही सिंपल सा मेरा रूटीन है, डेली मैं कपड़े वॉश करती हूँ एक्सेप्ट थर्सडेज़ को मैं अवॉइड करती हूँ कपड़े धोना, और जिस दिन शीट्स धोई जाती हैं उसी दिन मैं जो टॉवल्स हैं उनको भी मैं वॉश करती हूँ, और डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो डेली ही वॉश होते हैं। और मुझे एंजल का रूटीन, डे रूटीन शेयर करने के लिए भी हर वीडियो में 2 से 3 कमेंट मुझे मिल ही जाते हैं। मैंने पहले भी एंजल का डे रूटीन शेयर किया अपने चैनल पर, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और नया वीडियो डे रूटीन का कोशिश करूँगी कि जल्दी शेयर कर पाऊँ। ये डस्टबिन बैग्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से खरीदे और इनको मैं अभी रखूँगी किचन सिंक के नीचे। एक कैबिनेट है जहाँ पर मैंने अपनी सारी क्लीनिंग सप्लाइज़ को रखा है और वहाँ पे इन बैग्स को भी रखूँगी। और ये दो बेडशीट्स हैं, कॉटन की बेडशीट्स हैं, न्यू हैं, इनको भी मुझे वॉश करना है। और ऑलरेडी एक कपड़ों का लोड मैं वॉश कर चुकी हूँ और बेडशीट जो है वो अभी धुल रही है वॉशिंग मशीन में। और इन कपड़ों को सुखाने से पहले मैंने सोचा कि ये कैबिनेट जो है, क्रॉकरी कैबिनेट है, इसको मैं दिखा देती हूँ। अभी क्लीन नहीं है, जिस तरह से है वैसे ही मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इस यूनिट के टेबल टॉप को डेकोरेट किया है मैंने इन दो लैंटर्न्स के साथ जो मैंने होम सेंटर से खरीदी हैं। एक फेक प्लांट है, कप स्टैंड रखा हुआ है, और कप्स मैंने स्टारबक्स से खरीदे हैं जो इस स्टैंड में रखे हैं। किचन का काउंटर टॉप थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने माइक्रोवेव भी यहीं पर रखा है, और
मल्टीविटामिन्स भी मैंने यहाँ पर ही सामने रखे हैं ताकि इनको खाना हम भूल ना जाएं। राइट साइड के ऊपर वाली शेल्फ में मैंने रखे हैं कुछ सेरामिक की प्लेट्स और पुडिंग सेट है, ग्लास के ही कप और बोल्स हैं, वाटर डिस्पेंसर रखा है एक ग्लास का और रैक मैंने इस यूनिट पे भी यूज़ किया ताकि मैक्सिमम स्पेस यूज़ हो सके। नीचे की शेल्फ में कुछ और बोल्स हैं और स्टोरेज कंटेनर्स ग्लास के रखे हुए हैं खाना स्टोर करने के लिए और एक 3-tier रैक मैंने यहाँ पर यूज़ किया डिनर सेट को रखने के लिए। इस यूनिट के लेफ्ट साइड में मैंने रखे हैं कुछ ग्लासेस, टम्बलर्स और फ्रिज बॉटल्स भी मैंने अभी यहाँ पर रखी हुई हैं। फ्रिज में तो अभी ये यूज़ नहीं हो रही हैं और ये दो वाइट जार्स हैं जिसमें एक में मैंने लड्डू रखे हुए हैं जो मम्मी ने बनाकर भेजे हैं लुधियाना से और रेड कलर का जो पैन है और ये जो दो जार्स हैं ये मैंने होम सेंटर से खरीदे हैं। नीचे की शेल्फ में मैंने कुछ और ग्लास के बोल्स रखे हुए हैं। अभी ये यूनिट अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, किसी दिन इस यूनिट को मुझे साफ़ करके रीअरेंज करना है। और रैक मैंने इस क्रॉकरी यूनिट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, इन रैक्स से ऊपर नीचे की जो स्पेस है अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। और एक ये ब्लू कलर की बास्केट है जिसके अंदर मैंने ब्लेंडर और इलेक्ट्रिक बीटर रखा हुआ है। ये किचन सिंक के नीचे का कैबिनेट है जहाँ पर मैंने क्लीनिंग सप्लाइज़ को स्टोर किया है और लिक्विड डिटर्जेंट भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। डस्टबिन बैग्स को यहाँ पर रखने के बाद मैंने इंजू के रूम में जो क्रिसमस ट्री है उसे अनडेकोरेट करके पैक किया और स्टडी टेबल काफ़ी डस्टी हो रहा था तो उसकी डस्टिंग मैंने की और बाद में लास्ट में मैंने उस रूम के फ्लोर को वैक्यूम क्लीन किया। इंजू के रूम का छोटा सा टूर साफ़ हो जाने के बाद मेटल शेल्फ एक और ऐड हो गई इस रूम के अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और नेक्स्ट जो क्लिप है पार्लर की वो मैंने किसी दिन और शूट किया था जो इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। मोटेरा की इस सैलून से मैंने अपना हेयर स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट करवाया है। अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं वो इस लोकेशन को अच्छे से जानते होंगे। काफ़ी लंबा ये प्रोसेस है, 4 से 5 घंटे मुझे इस पूरे ट्रीटमेंट में लगे थे लेकिन स्टाफ काफ़ी यहाँ का अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव था। पूरे प्रिकॉशंस के साथ स्टाफ ने ये हेयर स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट किया था और इससे पहले भी मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाई है और काफ़ी दिनों से ड्यू था तो फाइनली इस दिन ये काम भी मेरा हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।